हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ए के सर हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 का एग्जामिनेशन 12th सितंबर 2021 ठीक है तो कल के दिन हुआ था इसकी आंसर की भी आ चुकी है बहुत लोगों ने डाल चुके हैं लेकिन मैं ये कट ऑफ पहले बना रहा हूँ बाद में मैं आंसर की डालूंगा एकदम अपडेटेड <coughs> अब यहाँ पर काफ़ी लोग तो बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है लेकिन इसके पीछे ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं कि कट ऑफ लो जाएगी और क्यों जाएगी चलिए कुछ देखते हैं नंबर वन जो हरियाणा जीके जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर में जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज होता है महाराष्ट्र का होता है गुजरात का होता है यूपी का होता है बिहार का होता है वैसे हरियाणा भी अपना सिविल सर्विस कंडक्ट कराता है हरियाणा जीके उसके अंदर एक इम्पॉटेंट रोल प्ले किया करता था बट ये बार हमको हरियाणा जीके से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते नहीं हैं तो ये एक बहुत ही सैड पॉइंट रहा है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि स्टूडेंट्स हरियाणा जीके अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं और इस सेक्शन से क्वेश्चन समझ लीजिए Uh, इतना नहीं आए जितना एक्सपेक्टेड थे तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड करने के लिए दूसरा जो रहेगा वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा नेगेटिव मार्किंग हरियाणा के सिविल सर्विस में भी है ओके okay? तो यहाँ पर कोई भी अगर uh, समझ लीजिए कि एक हिसाब से अच्छा भी है ये और एक हिसाब से गलत भी है ये क्योंकि लोग जो तुक्का मारते हैं तो उनको कहीं हद तक के रोक देता है ये लेकिन कभी कभी कैसा है कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और जहाँ पर वो अगर तुक्का लगाना भी चाहते हैं लाइक अगर आ, कुछ क्वेश्चन अगर करना भी चाहते हैं तो नेगेटिव मार्किंग उनको रोक देता है लेकिन एक डेसेसिव फैक्टर रहेगा कट ऑफ लो जाने में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कौन सा पॉइंट पेपर का जो लेवल है पेपर का लेवल देखो भाई पेपर का जो लेवल था वो ऐसा था लोग तो ये भी तक कह रहे हैं कि पेपर का जो लेवल है वो इजी था इजी ज़रा भी नहीं था अगर आपको कोई भी ऐसे कहता है तो इजी है तो उसके बातों पे ध्यान मत दीजिए नंबर वन दूसरी बात ये थी कि पेपर जो था वो फिर कैसा था मॉडरेट टू टफ लेवल के बेस के ऊपर वो लोगों ने पूरा के पूरा पेपर सेटअप किया था और पेपर जो था वो पिछले साल से काफ़ी अलग था प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो प्रीवियस ईयरस में जितनी भी जो कट ऑफ गई है तो कट ऑफ उससे ये साल जो है कट ऑफ ज़्यादा कम जाने वाली है ओके पहले क्वेश्चंस होते थे अगर 2019 का अगर आपने पेपर देखा होगा तो पहले 200 मार्क्स के यहाँ पर पेपर हुआ करता था हरियाणा सिविल सर्विसेज का लेकिन ये बार जो है हंड्रेड क्वेश्चन फॉर हंड्रेड मार्क्स के ये यह, अपना यहाँ पर तुमको देखने के लिए मिलेगा ठीक है और पेपर के लेवल के बारे में और भी कुछ बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे जो इजीली स्टूडेंट्स कर ले जा सकते थे बट वन लाइनर जो अप्रोच चल रहा था अभी तक के, के वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते थे लेकिन वन लाइनर से हटा करके वो लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे तो उसमें स्टूडेंट्स का जो एक अप्रोच था वो वन लाइनर अप्रोच को फॉलो करते हुए जब वो लोग एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं और एग्ज़ाम में कुछ एकदम अलग सा नया सा पैटर्न आ जाता है तो अच्छे अच्छे लोगों की यहाँ पर हालत ख़राब हो गई पेपर करने में तो पॉलिटी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ये लोगों ने ज़्यादा फोकस किया ये वाला था हिस्ट्री एंशंट इंडिया से मेडिकल इंडिया से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे और यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटी से लगभग ऐसे क्वेश्चंस थे कि स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत कर ले जा रहे थे खास करके पॉलिटी से अब आगे और एक पॉइंट देखते हैं स्विच फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पैटर्न अब ये जब आप पेपर देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि, कि यू पी वाला पेपर है ये लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो यूनियन करवाता है आई के तर्ज पे पेपर बना हुआ है ऐसे लग रहा है तो ये एक स्विच था वहाँ से लाइक ऐसे टफनेस लेवल के ऊपर तो ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कट ऑफ़ कम तक लेकर जा सकता है ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर कट ऑफ कम ले जाएंगे अगर कोई कितना बोले सत्तर बोलता है कोई या तो कोई सिक्सटी फाइव भी बोल रहा है तो वहाँ तक के इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी Okay. चलिए देखते हैं फिर कट ऑफ कितनी जाएगी लेट सी देखिए जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 59 से 61 जो है वो सेफ कट ऑफ रहेगा इनफैक्ट अगर मैं कहता हूं कि अगर आपके 60 नंबर भी अगर बन रहे हैं 60 क्वेश्चन भी अगर आपके सही है तो आप किसी से ना पूछ करके सिर्फ मेंस की तैयारी में लग जाइए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा होने वाला है या नहीं होने वाला है सिलेक्शन आप शांति से जो है वो मेंस की तैयारी में लग जाइए बिकॉज आप अगर यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर बाद में आपको ये वक्त मिलेगा नहीं आपको टाइम मिल नहीं पाएगा और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में आपको हरियाणा सिविल सर्विस में जॉब नहीं मिलने वाला बल्कि आपको यहाँ पर मेन्स भी क्रैक करना होगा इंटरव्यू भी क्रैक करना होगा आगे बढ़ते हैं जनरल 59 नाइन टू 61 इतने के बीच में इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 58 भी अगर आ रहा है तो आप यहाँ पर ये सिविल सर्विस के लिए जा सकते हैं लाइक मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं दूसरा देखेंगे ओबीसी के अंदर देखिए दो कैटेगरी है एक तो होता है अपना बी मैंने यहाँ पर इसको ऐसी हाईलाइट किया है ताकि आप लोग ज़रा इसको देख पाएँ अच्छे से तो बी सी ए का जो कट ऑफ रहेगा वो फिफ्टी सिक्स से फिफ्टी एट तक के जाने की संभावना है यहाँ पर अगर किसी का मैं तो कहूँगा फिफ्टी फ़ाइव भी आ रहा है या फिफ्टी थ्री फ़िफ्टी फोर भी आ रहा है तो भी वो मेन्स की प्रिपरेशन में आराम से लग सकता है ठीक है आगे देखते हैं बी सी बी का यहाँ पर फिफ्टी थ्री से फ़िफ्टी फाइव के बीच में जाएगा अगर आपके पचास नंबर भी आते हैं तो भी फिर आप पर यहाँ पर स्टडी uh, के लिए लग सकते हैं मेंस के लिए देखिए मेन्स की स्टडी आप अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे अभी अगर सिलेक्शन नहीं होता है फॉर एग्जांपल मैं तो चाहूँगा कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट हो सभी का सिलेक्शन हो हरियाणा सिविल सर्विस नहीं बल्कि सारे सिविल सर्विस में बट अगर कभी यहाँ पर नहीं होता है तो आपको आने के वाले जो टाइम में जो मेन्स रहेगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे तो आप 50 भी अगर आप यहाँ पर हैं तो आप बेझिझक लग जाइए प्रिपरेशन मोड पर दूसरा हम देखेंगे एस कैटेगरी से तो एस से काफ़ी कम 64 फोर सॉरी फोर्टी से 48 के बीच में जाने की पूरी संभावना है ठीक है और आपका 42 43 या 40 भी आता है ना तो आप यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए लग जाइए देखिए ये है। देखते हैं ई की बात करें तो 57 से लेकर 59 के बीच में रहेगा लाइक जनरल के आसपास में ई की कट ऑफ रहने वाली है ज़्यादा ना ये आगे पीछे होगी ना कुछ होगी ई डब्ल्यू एस इज इक्वल टू जनरल बस उसी के आसपास एक दो नंबर ऊपर नीचे नीचे रहने वाली है वैसे ऊपर नहीं जाएगी ठीक है तो आप लोग अगर प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं तो प्रिपरेशन करिए हरियाणा सिविल सर्विस के लिए आप अगर दूसरे सिविल सर्विस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो हमारे हिस्ट्री के जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है काफ़ी सारे अपलोडेड हैं आप उसको देख सकते हैं आप उसको फ़ायदा उठा सकते हैं मैंने महाराष्ट्र के जो सेट के जो पेपर्स होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के होते हैं वो भी अपलोड किए हैं नेट के भी क्वेश्चन पेपर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ घटना चक्र का भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया है तो आपको हमारे चैनल से हिस्ट्री के लिए खास करके अच्छी बेनिफिट मिल सकती है गो थ्रू आवर वीडियोज़ एंड फॉलो आवर चैनल जय हिंद